बिल्कुल पुनीता, देखिए एनसीईआरटी की संशोधित किताब आने के बाद से घमासान मच गया है। दरअसल 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबदों वाला ढांचा कहा गया है, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है एनसीईआरटी की किताब में। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन इस खबर की भनक लगते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए हैं। किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। अयोध्या विवाद वाले मामले में भी छटनी की गई। पहले ये चैप्टर 4 पेज का था, लेकिन अब इसे 2 पेज में कर दिया गया है। नई किताब में फैजाबाद जिला कोर्ट के आदेश से जुड़े बदलाव भी किए गए हैं। पुरानी किताब में अखबारों के लेखों की कई तस्वीरें भी थी, जिन्हें अब सिलेबस से हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की रिवाइज किताब में कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब इसमें बदलाव कर लिखा गया कि 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया है। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह बने हुए थे। नई किताब में लिखा गया है कि ढांचे के आंतरिक और बाहरी दीवारों पर कई मूर्तियां बनी हुई थी। एनसीईआरटी के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनका इतिहास में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको मिटाने के लिए वो नई नई चीज़ें घटते रहते हैं, नई चीज बनाते थे। पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे चेंजेस पिछले 10 साल के अंदर करी हैं, तो वो जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो किताबों में लेके आना चाह रहे हैं। शिक्षा में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं। अगर इस तरह से राजनीति को आप शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के लिए ये अति घातक होगा। इंडिया अलायंस खास करके और समाजवादी पार्टी तो इसका पुरजोर विरोध करती है कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा बहुत विश्वस्त लोगों के जरिए होना चाहिए और पूरे गंभीरता से होना चाहिए, पूरे प्रमाणिकता से होना चाहिए। अगर पूरी प्रमाणिकता से इतिहास का लेखन नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है और वो देश के इतिहास को समझने में गलती कराता है। उधर बाबरी मस्जिद का नाम हटाने से तथाकथित मौलानाओं ने भी नाराजगी जताई है और इतिहास से छेड़छाड़ की बात कही है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास में जो बच्चों को पढ़ाई जाती है उससे काफी तरमीम तब्दील की गई है और उसमें निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाबरी मस्जिद का चैप्टर हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो पुनर्विचार करें, नजरसानी करें और इतिहास के पन्नों को इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें, उसको वैसे ही रहने दें। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने एनसीईआरटी के फैसले का स्वागत किया है। जो बाबरी सोकल बाबरी मस्जिद थी वो विवादित ढांचा था, वहाँ पर पिछले कई 100 साल में नमाज नहीं पढ़ी गई, तो उसको उन्होंने ठीक किया है कि उसकी जानकारी ताकि बच्चों को ठीक मिले कि वह मस्जिद नहीं थी, एक विवादित ढांचा था, एक 3 गुंबद थे जो कि विवादित थे, इसकी जानकारी बच्चों को ठीक जाए और ठीक इतिहास बच्चों को पता लगे, ये स्वागत योग्य कदम है। एनसीईआरटी के इस फैसले को लेकर संत समाज में भी नाराजगी है। संत समाज का कहना है कि इस तरह के बदलाव ठीक नहीं है, हमें आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि राम मंदिर पाने के लिए हमने 500 साल तक इंतजार किया, जिसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला को टेंट से उठाकर मंदिर में स्थापित किया गया। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद हटा करके आदेश हुआ है 9 नवंबर 2019 में, तब से दर्शा रहे हैं। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला के प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 1992 को गिर गया उसको दिखाई देगा, तब यह अधूरा है और यह मान्य नहीं है। सवाल ये है कि अगर इतिहास को सही और दुरुस्त किया जा रहा है तो इसमें परेशानी क्यों?
सवाल ये भी है कि अगर आक्रांत बाबर और मुगलों को हटाने का काम हो रहा है तो इसमें विपक्षी पार्टियों की बेचैनी क्यों है, वो भी तब जबकि इतिहास के गर्त से निकली सच्चाई इन तथ्यों के सिलसिले पुष्टि भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।